22 ऑगस्टला नवनिर्मित मोक्षधाममध्ये विशाल शिवप्रतिमेची स्थापना करण्यात आली होती. तर या कार्यक्रमाला चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित राहणार होते, परंतु महत्त्वाच्या कामानिमित्ताने बाहेर गेले असल्यामुळे चंद्रशेखर बावनकुळे या कार्यक्रमाला हजर राहू शकले नाही. म्हणून आज चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवनिर्माण मोक्षधामाला भेट दिली. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवनिर्माण मोक्षधाम घाटाला भेट दिली आहे. यावेळी कामठी विधानसभेचे आमदार टेकचंद सावरकर, मोक्षधाम समितीचे सदस्य अध्यक्ष व भाजप कार्यकर्ते पदाधिकारी, नगर परिषद मुख्याधिकारी, PWD कर्मचारी हे देखील उपस्थित होते. बावनकुळे यांनी मोक्षधामाची पाहणी केली असता मोक्षधामच्या उर्वरित कामाकरिता लागणारी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मोक्षधाम समितीला दिले. तर हे मोक्षधाम अंतविधीकरिता तयार झाले असून 16 सप्टेंबर पासून अंतविधीकरिता खुले करण्यात येणार आहे. नवनिर्मित मोक्षधामांमध्ये थंड पाण्याची व्यवस्था, सगळ्यांकडे लाकूडाची व्यवस्था व सभा मंडप व्यवस्था, तसेच लागणारी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती मोक्षदांत समितीचे उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल यांनी दिली. आज माननीय बावनकुळे साहब ने अपना समय दिया व निरीक्षण किया, इसके पश्चात लोकार्पण हो गया ऐसा मानना है, और कल सुबह से यह सब अंतविधि के लिए खुल गया, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ. नहीं, मोक्षधाम तो जो नहीं खुला वो कुछ यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जैसे लकड़ी की टाल, पानी का, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से चालू नहीं हुआ था. बाकी साहब उस दिन बहुत बिजी थे, जिस दिन ये शोभा यात्रा वगैरह निकली थी वो कोई उनके बहुत बड़ी मीटिंग थी नागपुर में, तो उनके बेटे उस दिन आए थे, तो उसके बाद उनको एक बार देखना था और इसमें क्या क्या कमियाँ रही थी वो भी हमने उनको बताया, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं सब पूरी मदद करता हूँ और इसको अच्छे से लोगों को सुविधा देकर. नहीं, लोकार्पण हुआ ही नहीं, लोकार्पण तो हो चुका है. आज उन्होंने आके यहाँ पे विजिट किए, उस दिन वो अपने निजी उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी उस वजह से वो आ नहीं पाए थे, तो उसके बाद आज उन्होंने मीटिंग किए, सौर ऊर्जा के पानी के वाटर प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किए, अब पूरी इस परिसर का मुआयना किए, और इसके बाद में जो 10 एकड़ में पीछे हमको कंपाउंड वाल बांधना है और भी बहुत सारी यहाँ पे जो कमियाँ रह गई है वो सब पूरी करने का उन्होंने आश्वासन दिया, और इस सुविधा को सभी धर्मों के लिए अच्छे से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराओ और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फायदा ले पाए, ऐसी उनकी भूमिका है. VKB न्यूज साठी कामठी येथून नितिन रावेकर यांची रिपोर्ट. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.